बिट्टू सिंह समेत 8 लोगों के गिरफ्तारी के संदर्भ में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सदर SDPO पुष्कर कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बिट्टू सिंह के घर पर अन्य कई अपराधियों का जमावड़ा लगा है जो किसी अपराधी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। इसी आधार पर प्रभात कॉलोनी स्थित घर में शुक्रवार को अहले सुबह पटना से आई STF की टीम एवं पूर्णिया पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की। छापेमारी में अपराधी बिट्टू सिंह सहित 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान 2 पिस्टल एवं 1 राइफल के साथ 24 गोली एवं AK-47 की 10 गोली भी बरामद की गई है। साथ ही पुलिस ने बिट्टू सिंह के घर में लगे CCTV का DVR खोल लिया और अपने साथ लेकर गई है। गुप्त सूचना मिली थी कि प्रभात कॉलोनी स्थित अनिकेत सिंह उर्फ बिट्टू सिंह के घर पर कुछ अपराध कर्मियों का जमावड़ा है। इस सूचना के आलोक में STF की टीम एवं पूर्णिया जिला पुलिस की टीम के द्वारा संयुक्त छापामारी किया गया, जिसमें मेरे नेतृत्व में पुनीसा थाना अध्यक्ष खजांची हाट अनिल सिंह, सदर थाना के थाना अध्यक्ष मनोज, मुफस्सिल थाना अध्यक्ष संतोष झा, मरंगा थाना अध्यक्ष जितेंद्र, सुभाष मंडल सब इंस्पेक्टर खजांची हाट थाना एवं अन्य महिला पुलिस पदाधिकारी एवं बल के छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में बिट्टू सिंह के परिसर से बरामदगी हुई है, जिसमें कि 2 पिस्टल है, 2 पिस्टल है और 1 राइफल की बरामदगी हुई है, 315 की राइफल है और 24 गोली है, टोटल 24 गोली है उसके साथ, और 10 गोली जो है वो बरामद है, वो AK-47 की गोली है। AK-47 की गोली जो है वो प्रोविटेड गोली है, वो बरामदगी हुई है। उसके अलावा जो है 7.62 बोर की भी गोली है और उसके साथ 7.62 बोर का एक मैगजीन भी बरामद हुआ है। इसमें कुल व्यक्ति की जो गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि बिट्टू सिंह के अलावा चुनमुन झा पूर्व में जेल गया है अनिल उरांव हत्याकांड में, मोहम्मद इमरान है जो कि बाहर का रहने वाला महनार वैशाली का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी हुई है, रॉकी जो है रहने वाला ये बांका जिला का बौसी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, मन्नान जो है ये बनमनखी का ही है, पूर्व में ये भी जेल जा चुका है, विवेक कुमार यादव है जो महानंदा कॉलोनी जनता बाजार पूर्णिया का रहने वाला है, उसके अलावा जो है विवेक कुमार जो है ये मुजफ्फरपुर का बरामद यहाँ उसकी गिरफ्तारी हुई है, और कृपा शंकर चौधरी जो है ये रामबाग का ड्राइवर टोला का है। कुल 8 गिरफ्तारियाँ हुई हैं और गुप्त सूचना थी पुलिस को कि ये लोग किसी बड़े वारदात को या तो फारबिसगंज में या अररिया में किसी या जोगबनी में कहीं बड़ी घटना को अंजाम भी इसके साथ जो इनके साथ शामिल लोग थे वो देने वाले थे, जो या सोना चांदी की ज्वेलरी की दुकान या उसके किसी मालिक के साथ कोई बहुत बड़ी अप्रिय घटना के सूचना पुलिस को मिली थी, इसी के आधार पर छापामारी किया गया था। गिरफ्तार सभी को न्यायिक हिरासत में विधि सम्मत कार्रवाई के तहत भेजा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एसटीएफ की टीम ने उसे छापेमारी की, बोल ही दिए बयान में, शुरू में ही बोल दिए बयान। हाँ सर, सभी हथियार आदत है, ये पहले भी जेल जा चुका था AK-47 के साथ। जी, इसके पूर्व में भी केस हुआ था और उसमें ये जेल गए हुए थे। सर बिट्टू सिंह के साथ जो अन्य अपराधी पकड़ाए हैं उनका पूर्व में भी अपराधी के इतिहास रहा है? जी, अपराधी इसमें रहा है, 1-2 का नहीं है लेकिन बाकी लोगों का पूर्व में। बताया जाए कि इसमें शूटर भी थे, 3 शूटर की भी होने की बात कही जा रही है। सब अभी खंगाला जा रहा है, जांच किया जा रहा है कि क्या थे नहीं थे या क्या इनकी गतिविधियां थी। कहां से बरामद हुए? उन्हीं के परिसर से, बिट्टू सिंह के परिसर से। बगल से बाहर से? सारे हथियार वैध हैं? एक वैध लाइसेंस इन्होंने दिखाया जिसका वेरिफिकेशन जम्मू कश्मीर का है, उसका हम लोग वेरीफाई करेंगे, अगर वो ठीक है तब ठीक है, अगर नहीं है तो उनके विरुद्ध भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बिट्टू सिंह के घर से और उसके एडजेसेंट में ही सटे हुए लॉज से सब एक ही जगह पर है। ये जांच किया जा रहा है, अनुसंधान में ये बातें आएगी कि गोली कहाँ से आई थी, हथियार कहाँ से आया था, हथियार वैध है या अवैध, ये सारी चीजें हैं जो पुलिस का अनुसंधान में सारी बातों का खुलासा होगा।